इसराइल की गजा में बमबारी से अब तक 8000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं 20000 हजार फौज गजा के अंदर मुख्तलि जगहों से दाखिल हो चुकी है जहाँ पर हमास की तरफ से इन्हें मुसलसल मजामत का सामना है जिसकी वजह से कई इसराइली फौजी भी मारे जा चुके हैं मगर इसराइली मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन की बजाय वो मुसलसल गजा पर रॉकेट बरसा रहा है गजा की हालत बद बत से बदतर होती जा रही है और इसी दौरान यमन ने बाकायदा इसराइल पर रॉकेट बरसा कर इसके खिलाफ एलान जंग कर दिया है और धमकी दी है कि जब तक गजा के अंदर इसराइल अपनी दहशत गर्दी को बंद नहीं करता तब तक ये रॉकेट हमले मुसलसल जारी रहेंगे इन हमलों से इसराइली फ़ौज का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इसराइली तर्जमान ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाम से अपील की कि खुफ़िया होने की वजह से मैं वजाहत नहीं कर सकता पर हमारे फौजियों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और हमारी आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है यानी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये नंबर छुपाए जा रहे हैं जिसका सबूत यह वीडियो है जिसके अंदर यह देखा जा सकता है की इसराइली कमांडर और फौजियों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है इसराइल के शहर एलीद पर मौजूद बंदरगाह पर यमन की फौज ने रॉकेट फायर किए हैं जो कि रेड सी से इसराइल को जोड़ती है हालांकि यमन के हुसी बागी और फौज आपस में लड़ रही है पर यमनी फौज के तर्जमान का कहना है कि हमने ये हमला इसलिए किया क्योंकि हमारी आवाम ऐसा चाहती थी जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यही मकाम एक अवाम का होना चाहिए जो कि असल रियासत होते हैं ईरान बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर कुछ इस तरह से शामिल है कि यमन के अंदर हुई बागियों लिबनान के अंदर हजबुल्ला और इराक के अंदर तमाम मुसल्ला ग्रुपों को वो सपोर्ट कर रहे हैं जो कि मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं इसके अलावा फलस्तीन के अंदर हमास को भी ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है रान इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली शामिल है और वो चाह कर भी इस जंग के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खतरा है इसीलिए वो मसलत से काम ले रहा है इसके अलावा रशिया और चाइना ने भी इसको मशवरा दिया है कि पहले इन मुल्कों से इनडायरेक्ट इसराइल पर हमले करवाए जाए ऐसे मुल्कों से जो कि पहले से खाना जंगी का शिकार है यानी लीबिया इराक और यमन वगैरह से और अगर फिर भी इसराइल बाज ना आया तो हम बायदा तौर पर इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे जबकि दूसरी तरफ हमास के तर्जमान का सोशल मीडिया पर यह बयान है कि हमने इसराइल की 20 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है इनके कई फौजी मारे गए हैं ये तो अभी शुरुआत है क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है हम गजा को इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे तुम जंग के एक महीने के बाद अपना एक फौजी कैदी रिहा करवाने का झूठ बोलकर कर खुशियाँ मनाते रहो लेकिन इस तरह से तो तुम्हें अपने बीस कैदियों को छुड़वाने के लिए बीस साल लगेंगे याद रहे कि गजा पर जमीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौजियों ने एक फौजी कैदी को हमास से बाजियाब करवाने का दावा किया था जिसे हमास ने झूठ कहकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बेबसी का पोल खोल दिया है yes. अब इस तमाम सूरत आल के अंदर सऊदी अरेबिया का किरदार क्या होना चाहिए था आप जरा सोच कर बताएं की छियालीस इस्लामी मुल्कों की फौज जिसका सरबराह है जनरल राहल शरीफ ओ आई सी की सरबराई होते हुए भी बजाय इसके कि मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा करके इसराइल के खिलाफ कोई मजामत की जाती कोई सख्त इकदाम उठाए जाते राहल शरीफ को यह हुक्म मिलने वाला है कि यमन से क्योंकि पहले भी बागी सऊदी अरेबिया पर रॉकेट फायर कर चुके हैं और अब भी इसराइल पर यह हमला हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से सऊदी अरेबिया पर यह बागी हमला कर दें राहल शरीफ को एक मिलिट्री ऑपरेशन का यमन के अंदर हुक्म दिया जाएगा लेकिन अफसोस कि यह फौज गजा के अंदर अमन कायम करने के लिए अब तक बाहर नहीं निकली कल ही सऊदी वजे दिफा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे है और ये पहुंचा और यह पैगाम पहुंचाया है कि सऊदी अरबिया अब भी इस मॉदे के लिए तैयार है जिसके मुताबिक इंडिया से होते हुए इसराइल और इसराइल से यूरोप तक तमाम मुल्कों को कनेक्ट किया जाना था और इसने इसराइल को तस्लीम करके इसके साथ सफारती और ट्रेड के तमाम मामला कुछ ही दिन में शुरू करने थे यानी इसराइल को कबूल करके फ़लस्तीन का सौदा करना था जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी और बदले में अमेरिका को बस सऊदी अरेबिया को हर तरह के हमले से सिक्योरिटी फराम करना थी और अब तो यह मॉयदा इसलिए भी जरूरी हो गया है कि जब से होशी बागियों ने इसराइल पर हमला किया है तो सऊदी अरेबिया के हकमरानों को बस अपनी फिक्र पड़ गई है कि कहीं उनका इकतदार ना छीन जाए फिर चाहे इसके बदले में हमारे फलस्ती भाई मरते हैं तो मरते रहे लेकिन हमारी तरक्की नहीं बंद होनी चाहिए सऊदी अरबिया के ये इस हद तक गिर चुके हैं कि इस वक्त के अंदर भी इन्हें सिर्फ इसराइल के साथ डील और मुआदा ही नजर आ रहा है शर्म से डूब मरने का मकाम है याद रखें कि मैं सऊदी अरेबिया की आवाम की बात नहीं कर रहा बल्कि इसके बे इस हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ दुनियादारी को तरक्की कहकर अपनी दौलत के नशे के अंदर अंधे हो चुके हैं इन्हें गजा के अंदर सिर्फ अमन इसलिए चाहिए कि इनका वी एन ट्वेंटी थर्टी पूरा हो सके इसके बदले में बेशक गज़ा हाथ से जाता है तो चला जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन याद रखें कि नेतन्याहू याहू और जवाइनस का मानना है कि खुदा ने ग्रेटर इसराइल की सरजमीन हमें देने का वादा किया है जो कि हम हासिल करने के बहुत करीब हैं वो ग्रेटर इसराइल जिसमें सऊदी अरबिया का बहुत सारा हिस्सा भी शामिल है जिसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया भी अनकरीब फ़लस्तीन के बाद इन यहूदी जवाइनस्ट की साजिशों का मरकज बनने वाला है ऊपर से सोने पर सुहागा के, के अंदर जहां पर गजा पर बमबारी और तबाही जा रही है सऊदी अरेबिया के शहर रियाज के अंदर रियाज सीजन का बकायदा तौर पर इफ्ताह कर दिया गया है जिसके अंदर मशहूर सिंगर शकीरा इसको होफ्ट कर रही है रियाज सीजन को सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है जिसके अंदर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज कंट्रोवर्शियल सिंगर्स, एक्टर्स मॉडल्स और एक्टर्स शामिल होते हैं हर साल हमें इस तरह के इवेंट्स के अंदर बेहयाई फाशी इस मुकदस सरजमीन और दीन इस्लाम का मजाक बनता हुआ दिखता है बिल्कुल इसी तरह से इस रियाज सीजन से भी कुछ ऐसे ऐसे बेहयाई और बेशर्मी के वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि इनको देख एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है कि इस मुकदस सरजमीन को एक दिन ये दिन भी देखना थे यानी ये हुक्मरान आखिर किस हद तक गिर सकते हैं कि एक पड़ोस के अंदर भी फोत की हो जाए तो भी हमसा इसके गम के अंदर कुछ दिन तक शामिल रहते हैं अपनी तमाम खुशी की रसुमत चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही पर तर्क कर देते हैं पर यहाँ पर तो हर रोज कई सौ मासूम बच्चों औरतों और जवानों को बेगुना गजा के अंदर कत्ल किया जा रहा है बेगुना बच्चों को मारा जा रहा है और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान ये बेहुदा किस्म की फैश महफिलें सजा कर पूरी दुनिया को इस मुल्क के अंदर आने की दावत दे रहे हैं लाहौल क्यामत वाले दिन ये लोग रसोल्ला को आखिर क्या मुँह दिखाएंगे इस मुँह से होजे कोसर पर इनका सामना करेंगे इस मुकदस सरजमीन ने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके इनको लीड करना था तमाम मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी इसने उठानी थी मगर अफसोस के दुनिया की मोहब्बत और चार दिन की चांदी ने नया शुकमरानों को बिल्कुल अंधा कर दिया है और इसी तरह से ये क्यामत के दिन भी उठाए जाएंगे अल्लाह तला से दुआ है की वो मजलूम फ़लस्ती की कैबी तौर पर मदद फरमाए और इन मुस्लिम हुक्मरानों को थोड़ी सी गरत फरमाए सो गाइस ये थी वीडियो एंड सबसे मतलब की खतरनाक कंट्री मानी जाती है सऊदी अरेबिया रूल्स तो के मामले में है ना हा, हा, कि हा, हा। क्या चीजें हो जाए रूल्स रेगुलेशन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बट हम कुछ टाइम से देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के ना कुछ रूल्स ऐसे होते जा रहे हैं क्योंकि चेंज, चेंज हो रहे हैं मतलब की वो वो अपना रहे हैं जैसे एक दो वीडियो हम देख चुके हैं कि वो पता नहीं कौन सा वाला कुछ रिलेटेड डांस डूं होता है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वो चीजें भी उन्होंने की थी जा रहे हैं एंड सऊदी अरेबिया यहाँ पे वो जश्न मना दिया और पूरा उनका जैसा है कॉन्ट्रेक्टराइल के साथ वैसा ही चला हुआ है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी बंद नहीं करा उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है अपने काम से मतलब है तो ऐसा नहीं होना चाहिए गलत के साथ गलत सही के साथ सही होना चाहिए तो so, बाकी yeah. तो ये थी वीडियो और आपको पसंद आई हुए गाइज थैंक यू हाँ अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताना एंड आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ये भी हमें जरूर बताना yeah. so, guys, so तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट में